हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, आज हम बना रहे हैं ब्रेड टोस्ट। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल ऐड कर लिया हमने, और उसके बाद हसबे ज़रूरत 1 चम्मच, आधी चम्मच नमक वो ऐड करेंगे इसमें, और आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसमें, और इनको थोड़ा सा भून लेंगे। आपको अपने लो पर ही रखना है, लो से मीडियम तक ही। एक गाजर है, उसको कद्दूकस कर दिया है हमने, और वो भी इसमें डाल देंगे। और 2 से 3 पत्ते बंद गोभी के, वो भी हमने काट लिए हैं, और वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद ये प्याज है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और ये धनिया है हमारे पास, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में इन्हें मिक्स भी करते जाएंगे। और इसके बाद ये 3 आलू है हमारे पास, इनको हमने पहले से ही उबाल लिया है। जी, तो आलू हमने पहले से ही उबाल लिए थे, और इनको मैश कर लिया है, मैश करके इसमें डाल लिया है हमने, और इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये 3 अदद मिर्ची हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जी, तो उसके बाद मसाला हमारा तैयार हो चुका है, और उसके बाद ये मैंने कुछ ब्रेडें ली हैं, और उसके ऊपर पहले हम केचप लगाएंगे, उसके बाद चम्मच के साथ इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे पूरी ब्रेड के ऊपर ऐसे। जी, तो ब्रेड ऊपर हमने लगा लिया है केचप को, और उसके बाद ये जो मसाला हमने तैयार किया है वो लगा लेंगे। देखें, जी, तो आप देख सकते हैं मसाला हमने भी इनके बीच लगा लिया है, और अभी इनको ऐसे लगा देंगे। जी, देखें जी, 3 ब्रेड टोस्ट हमारे तैयार हो चुके हैं, और अब हम इसके ऊपर अंडे की कोटिंग करेंगे। और उसके लिए 2 अंडे लिए हैं मैंने पहले,
दो अंडे लिए हैं मैंने पहले, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने पहले ही एक बार नमक ऐड कर लिया है। और साथ में थोड़ी सी मिर्ची ऐड, सूरह मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें। और अभी इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अंडों को हमने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से, अब हम इनके पीसेस कर लेंगे ऐसे। जी तो ये हमारे छोटे छोटे पीस हो चुके हैं। जी तो अभी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। आग को मैंने बिल्कुल लो पर रखा हुआ है। जी तो ऑयल को हमने हल्की आग पर गरम कर लिया है, और अभी हम इस पर अंडे की कोटिंग करके इसमें डाल देंगे। आपने फायर को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, क्योंकि ये जो ब्रेड है आपको पता है जल्दी जल जाती है, तो आपको अपने लो पर ही रखना है। तो इस रेसिपी के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो मैंने डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश में और उर्दू में दोनों में लिख दी हैं, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे बने हैं, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि ये घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। सो जिस इसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।